अरे आज कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या बाजी, काम पे जा रही हूँ। क्या, अब शेख जी भी काम पर जाने लग गए? चलो ये तो अच्छी बात है। क्या खा खच्चा है बाजी, जो भी काम करूँ पीछे पीछे लगे रहे। इस आदमी को 50 बार समझा लिया मैंने भी, लेकिन समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, शेख जी है तो तुम्हारे ही आदमी, इसमें क्या गलत बात है? बाजी गलत नहीं है ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये कुछ काम नहीं करते, मेरे पीछे पीछे रहते हैं। कल मालिक भी कहने लगा तुम्हारे बस के काम नहीं है, छुट्टी कर लो। अरे शेख जी, क्या रुखसाना सही कह रही है? Oh, no. शेख जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलो छोड़ो, बहुत प्यार करते हैं शेख जी तुमसे। मगर बाजी तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो हनी के पापा को देखने जा रही हूँ, पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चलो बाजी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ। कर लो जितना भी तुम्हें ड्रामा करना है ना कर लो, मैं कहीं जाती नहीं, जा रही हूँ मैं तो घर। ये क्या पागलपन है, आदमी तो हमने बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं देखा, जो औरतों के पीछे पीछे रहे। मैं क्या कहीं भाग रही थी? बेफिक्र रहो मैं नहीं भागने वाली तुम्हें छोड़ के। ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, साल का वक्कल तार दूंगा, रोटी ला दे। लाती हूँ अभी। अकड़ रही है साली। या अल्लाह ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया है, ना कुछ करने का ना खाने का, रोटी दे के पड़ोसन से सलाह लेके आऊंगी। अब यहाँ भी आ गए, मैं रोटी ला तो रही थी। रुखसाना तू तो क्या बड़बड़ा रही थी? मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रही, मैं तो अपने कर्मों को रो रही थी। या अल्लाह अब क्या करूं? चलो रोटी खाओ, चलो आगे आगे। 24 घंटे पीछे 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 पीछे, पता नहीं मिलता क्या है। बैठो ये लो खाना। बैठ तू भी, तू भी खा मेरे साथ रुखसाना। Oh, no. मैं क्या सोचती रहती है, मैं तू भी खा ले मेरे साथ, ये खा। हाँ कुछ खा। हाँ हाँ खाती हूँ, पहले मैं पानी ले आऊँ। ना रुखसाना तू रोटी खा, पानी मैं लाता हूँ। शेख जी आप कितने पागल हो, जब खाना मैं लाई हूँ तो पानी भी मुझे ही लाना चाहिए ना। मैं पानी मैं ले आऊंगा, मुझे सेवा कर लेंगे। नहीं शेख जी, आखिर मैं आपकी बेगम हूँ, खिदमत तो मैं ही करती अच्छी लगूंगी ना। वे ये बात है। हाँ जान है साली जान है। लेके आती हूँ मैं पानी। लिया। बाजी से कुछ सलाह ले आती हूँ, ऐसे तो ये मुझे यूँ जाने नहीं देंगे, इतने ये खाना खाए इतने बाजी से सलाह ले आती हूँ, ये सही रहेगा। ये लो पानी। रुखसाना कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? बाजी बाजी गेट खोलो बाजी। हाँ कौन है? दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। बाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे रुखसाना तुम आज दोनों साथ साथ, क्या बात है? दोनों कौन दोनों बाजी? शेख जी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। शेख जी तुम पे आराम से बैठ के घर में रोटी भी नहीं खाई गई, जो यहाँ लेके आ गए मेरे साथ। तुम्हें पता है अल्लाह मियाँ को ये बात बहुत बुरी लगती है। हाँ शेख जी खाना तो आपको घर पे ही खाना चाहिए। तो क्या हुआ भाभी, आपका भी तो घर है, मैं तो यहाँ बैठ के खा लूंगा। तुम दोनों बातें करो, मुझे खाने के साथ साथ पानी भी तो चाहिए। ठीक है ये घर भी तो आपका ही है, आओ
खाना खा लो बैठ के। बाजी मुझे तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, पर कोई बात नहीं है, फिर आऊंगी कभी। ठीक है। अजीब आदमी है। अरे क्या बात है, आज तो खाना भी चलते फिरते गलियों में खाया जा रहा है। वो बात नहीं है भाईजान, ये तो जमीला बाजी का यहाँ बैठे थे, उनके घर से बुला के लाई हुई ने। मगर है बड़ी बदतमीज साली, अपने घर बैठ के खाना भी नहीं खाने दिया। क्या मेरी घरवाली को बदतमीज बता रहा, गाली दे रहा, मेरी बेइज्जत कर रहा? पर एक बात है भाईजान, तुम दोनों का प्यार अलग ही है। क्या खाक प्यार है? रुक्साना कुछ बोली मुझसे? हाँ बोली, बड़ा अच्छा कर रहे हो ना, अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हो। पता है खानदान की क्या बात है, मैं तेरे साथ रहता हूँ, कुछ बुरा हो गया? चलो अब घर चलो, पता नहीं मैंने भी कौन से अच्छे कर्म किए थे जो अल्लाह ताला ने तुम जैसा नमूना मेरे पल्ले बांध दिया। आओ। अकड़ रही है क्या? जमीला भी बड़ी बदतमीज हो गई है, किसी को घर बिठा के खाना भी नहीं खिला सकती, आज इसे ही देखता हूँ। अरे जब तूने शेख चिल्ली को खाना दिया तो उसे बिठा के खिला नहीं सकती थी, बेइज्जती कराई गई हमारी, पूरे गांव में क्या कहता फिरेगा वो। ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा तो मैं बड़बड़ा रहा हूँ? हाँ बड़बड़ा रहे हो। मैं बड़बड़ा रहा हूँ? मैं फालतू बोल रहा हूँ? हाँ फालतू बोल रहे हो। तो तू बड़बड़ाएगी, तू फालतू बोलेगी? हाँ बोलूंगी। ये क्या पागलपन है शेख जी, तुम्हारी अम्मी ने कुछ सिखाया या नहीं? ये वो अभी ऐसे ही तुम्हारे अब्बू के पीछे पीछे फिरती थी। रुक्साना मुझे तो कुछ भी कह ले, पागल, निकम्मा, बदचलन, आवारा, लेकिन मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को कुछ कहा ना साली का बक्कल तार दूंगा। जब दिल दुखता है ना तो कहना ही पड़ता है। तेरा दिल दुख रहा? हाँ। हमारे यहाँ दिल दुख रहा तेरा? हाँ दुख रहा। अभी देख, अभी देख तेरा क्या क्या दुखाता हूँ साली। दुखाओ, क्या दुखाओगे? हाँ बोलूंगी। ज्यादा इज्जतदार बने फिरते हो ना, उससे पहले पूछ तो लेते क्या बात हुई, तुम्हारी अकल में भूसा भरा हुआ है क्या? मतलब हम तुझे बतला रहे हैं तो हमारी अकल में भूसा भरा है? भूसा ना है तो अपने माँ बाप की तरह पागल हो तुम, पागल। अच्छा तो तू हमें पागल बतलाएगी, देखा है वो लट? दिखाओ लट, मैं लट से डरने वाले नहीं हूँ, और हाँ मुझसे फालतू मत बोल जाइयो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, खुराक लेवेगी? तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो दे दो खुराक, और एक बात सुन लो, अगर मैं अपने पीहर चली गई ना तो आने वाली नहीं हूँ। ठीक है, हमें भी जरूरत ना है लाने की, अभी लट लाता हूँ उठा के। शेख जी अगर ये डंडा मेरे हाथ में आ गया ना तो तुम्हें पूरे को दिखा दूंगी। अच्छा तो तू मेरा मारेगी भी? हाँ। मैं करवा दूंगा, हाथ ठुकाऊंगा शेख के लिए, हाथ ठुकाऊंगा। ये ले, मेरे साथ बदतमीजी से बोल। ये ले, ये ले, ये ले, यानी यानी मर्दों की इज्जत करेगी, मर्दों पर हाथ खाएगी, हाथ खाएगी साली, ये शिकायत तेरी मम्मी, ये शिकायत तेरा बुरा साली, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा बदतमीज से, मार दूंगा जान से। मैं तो सलाह लेने गई थी, अब तो बाजी से सलाह लेनी पड़ेगी, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। जान से मार दूंगा, तेरा गला दबा दूंगा।
नहीं बोलोगे ना? बदनामी करवाएगी, बदनामी करवाएगी, बदनामी करवाएगी। रोटी बैठा के नहीं खिला सकती थी उसे, और बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। हमारे वाले नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जा निकल जा, वरना तेरे घर तक मारूंगा, मेरी इज्जत नहीं छोड़ेगी। एक आदमी को घर में बिठा के खाना नहीं खिला सकती। जा जा निकल जा। जा रही हूँ। निकल जा, नहीं तो तेरे घर तक मारूंगा। मेरे पीछे मत आ जाना बिल्कुल भी। हाँ नहीं आऊंगा, जा। जा रही हूँ। जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। साली सलाह दिलवा दूंगा अभी। हैं? हैं? हम लेंगे सलाह साली, हम देखेंगे सलाह दे। ये आदमी ऐसे मानने वाला नहीं है, अब तो बाजी की सलाह लेनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मारे पीटे, पर सलाह लेकर रहूंगी।